हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉनेटरी प्रॉब्लम। मॉनेटरी प्रॉब्लम में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज सबसे पहले हम मॉनेटरी प्रॉब्लम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं हम बताऊँ मॉनेटरी प्रॉब्लम में आता है, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो भी कॉस्ट आते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? ये वो प्राइस होती है, द प्राइस एट द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे हम कोई भी आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, उसको हम खरीदते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। उसके बाद हमारे पास दूसरी कॉस्ट होती है, वो होती है इसको वो होती है सेल प्राइस। ये क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इसको हम डिनोट करते हैं एसपी से। सेलिंग प्राइस क्या होती है? इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं और सेल्स प्राइस भी बोलते हैं। सेल्स प्राइस क्या होती है? ये वो प्राइस होती है जिस पे हम किसी आर्टिकल को हम बेचते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस में। कॉस्ट प्राइस वो चीज प्राइस होती है जिस पे हम कोई कॉस्ट जो है परचेज करते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो प्राइस होती है जिस पे कोई चीज़ हम बेचते हैं। अब जो है कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और जो प्राइस मार्क्ड प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस, इसमें फर्क करेंगे। जो कॉस्ट प्राइस होती है और मार्केट प्राइस होती है, ये अलग अलग कॉस्ट होती है। मार्केट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? ये वो प्राइस होती है जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्या है मार्केट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई बिस्किट है, उस पर लिखा होता है 10 रुपये। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वो जो दुकानदार है उसने हमें 9 रुपये की दी या 11 रुपये की दी, तो वो हमारे पास आएगी कॉस्ट प्राइस। लेकिन जो मार्केट प्राइस होती है, मे बी कभी कभी मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम हो, लेकिन कभी कभी जो है ये अलग भी हो सकती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट और गेन, इसी को हम गेन भी कहते हैं। प्रॉफिट और गेन कब होता है? इफ सेलिंग प्राइस, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगी कॉस्ट प्राइस से, उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लॉस, लॉस कब होता है? इफ जो सेलिंग प्राइस होती है वो लेस देन होती है कॉस्ट प्राइस से। मतलब इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास जिस प्राइस पे हमने वो खरीदा है वो हमें ज़्यादा है और जिस पे हमने बेचा है वो कम है, तो उसको कहते हैं हम लॉस। उस वक्त हमारे पास क्या हो जाता है? लॉस होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे गेन है, गेन इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट। इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है गेन। ठीक, उसके बाद होता है लॉस। लॉस का फार्मूला क्या होता है? इसमें होता है सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें क्यों होता है ये पहले? क्योंकि लॉस में जो है कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होती है। लॉस में कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा होती है, इसलिए ये इधर होती है। क्योंकि
जो कॉस्ट होती है, एक बार याद रखने की चीज़ होती है कि कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसीलिए हमारे पास जब लॉस का हम फार्मूला लिखते हैं तो इसको पहले लिखे हैं और इसको बाद में लिखते हैं, और जब गेन की बारी होती है, जब हम गेन पहले लिखते हैं तो सेलिंग प्राइस पहले होती है और कॉस्ट प्राइस बाद में होती है। ठीक, फिर कभी कभी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। कभी कभी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है तो हमें निकालना होता है प्रॉफिट, तो हम उसका फार्मूला हमारे पास ये है। और कभी कभी जब लॉस परसेंटेज होगी तो इसमें भी सेम फार्मूला है, इसमें है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर कोई और चीज़ दी होती है, अल्टरनेटिव फार्मूला भी हमारे पास हैं, इसके अल्टरनेटिव फार्मूलाज भी हमारे पास, एक तो ये हो गया, उसके पास इसके पास हमारे पास और भी अल्टरनेटिव फार्मूला हैं। उनमें से क्या है? सबसे पहले सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का किसके बराबर होती है? सेलिंग प्राइस होती है 100% प्लस PROFIT, प्रॉफिट परसेंट इंटू CP। जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है, सपोज कभी कभी होता है कि 20% प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट दी होती है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला लगता है। और अगर हमारे पास लॉस दिया होता है तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या होती है? 100% प्लस, सॉरी, माइनस लॉस परसेंट इंटू CP। उस केस में ये रहता है हमारे पास फार्मूला। तो हमने ये पढ़ा प्राइस, बेसिक कंसेप्ट पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर, क्या सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे सारे जानते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जरबे रेट जरबे टाइम अपॉन 100। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है रेट, ये होता है टाइम, और ये होता है इंटरेस्ट। ठीक है, और इसी का दूसरा फार्म फिर होता है अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर? इसका फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो अमाउंट हमें निकालना होता है उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। या अमाउंट का दूसरा भी फार्मूला होता है वो ये है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम मैं थोड़ा आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, SHORTTS, शॉर्टकट्स, इसके बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। कभी कभार हमारे पास क्या होता है, ये दिया होता है कि गिवन प्रिंसिपल पी होता है, प्रिंसिपल भी दिया होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होता है। क्या प्रिंसिपल हमारे पास दिया होता है और रेट भी दिया होता है? क्या प्रिंसिपल भी दिया होता है और रेट भी दिया होता है, और हमें जो है टाइम पीरियड, हमें टाइम फाइंड करना होता है कि जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिंसिपल डबल हो जाता है। बोलते हैं कि सपोज हमारे पास दिया होता है प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और रेट भी दिया है, और हमें सॉरी प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है और टाइम पीरियड भी दिया है। ठीक है, इन विच द प्रिंसिपल गेट डबल, जिसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल डबल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें 100/r ये वाला फार्मूला लगाना है हमने, 100/r। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, हमें जो टाइम फाइंड करना हो वो निकल जाएगा, प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है, और हमने टाइम फाइंड करना है जिसमें हमारे पास क्या हो जाए, प्रिंसिपल डबल हो जाए, तो हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे 100/r। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये है, अगर सपोज हमारे पास क्या हो, हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो, ठीक है, सपोज प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, ठीक है, रेट हमारे पास क्या है 10% है, ठीक है, और टाइम हमने फाइंड करने, टाइम क्या फाइंड करने हैं कि बताओ जी कितना
कितना टाइम लगेगा कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो जाए, डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 100, सपोज अगर यहाँ पे 100 अपॉन आर, आर क्या है 10%, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो अब क्या करेंगे हम, इसको करेंगे 100 अपॉन 10 अपॉन 100, बनेगा 100 इंटू ऊपर जाएगा, क्या बनेगा इधर 10 अपॉन 100, ठीक है। ये कैंसर तो आएगा 10 years। तो ये बहुत ही सिंपल शॉर्टकट मेथड है। जब भी हमारे पास कहीं ये दिया होता है कि कुछ भी दिया हो, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज एग्जांपल सम ऑफ आर एस 451 लेंथ एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम विल डबल इन, ये कितने साल में। तो हमने इसका कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे कुछ भी है वी डोंट केयर, हमने सिर्फ ये लेना है, ठीक है। ये लेंगे बस, क्या बनेगा ये 100 अपॉन 10%, तो ये बनेगा जैसा अभी मैंने ऊपर निकाल दिया, तो ये बनेगा 10 years, ठीक है ना। अगर आप इसको जो है दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, तो क्यों से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम वैसे करके, तो ये तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो इन्होंने इधर प्रूफ कर रखा है, जैसे इन्होंने दूसरे फार्मूले से प्रूफ कर रहे हैं, हेयर प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, ठीक है। अब प्रिंसिपल विल डबल, अब हमने दिया हुआ है कि प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, तो ठीक है अमाउंट कितना बनेगा, 2 times से मल्टीप्लाई कर रखा है और ये आया, ठीक है। अब अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये इधर चला गया, तो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा ये, ठीक। अब हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10 years। तो जो ओरिजिनल फार्मूला है वहाँ से भी प्रूफ हो गया, और जो मैंने आपको शॉर्टकट वाला सिखा दिया वहाँ से भी प्रूफ हो गया, ठीक है। जब भी अभी आपको कभी कभार जो भी कुछ हो, जब भी ये आपको बोला जाएगा, तो यही करना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, ये तो डबल के लिए है, ठीक है। अगर सपोज आपको ट्रिपल के लिए आएगा, आपको मैं बता देता हूँ, अगर सपोज यही फार्मूला आएगा, तो आपको आपको बोलेंगे कि आपको अगर पूछा गया तो फाइंड द टाइम पीरियड इन विच द प्रिंसिपल गेट ट्रिपल्ड, तो आपको ट्रिपल्ड के लिए क्या फार्मूला लगाना है, सेम फार्मूला है, उसमें एक और कर दिया 200 अपन, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते जाने, ओके। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की एक एग्जांपल निकाली है मैंने, सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल निकाली, शॉर्टकट वाला मेथड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और एग्जांपल्स, सिंपल इंटरेस्ट की और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप में कोई भी इस मॉनिटरी प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं निकल रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी क्वेश्चन हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, उस पर मुझे आप मेल करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।